नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रीति जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनका क्या कहना है, ऐसी कौन सी संस्था है जिन्होंने समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। प्रीति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। प्रीति जी, आपको क्या लगता है समाज के लिए किस संस्था ने सबसे ज्यादा काम किए हैं? सच्चे सौदे वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, डेरे वालों ने। जो भी भलाई के काम है हो रहे, आगे जाना, किसी का दुख तकलीफ हो, विधवा को उनकी शादियां करवानी, सबसे ज़्यादा जो कि है डेरे वालों ने ही की। कैसे काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं, तरक्की के, हर एक को दिल से जीने की उम्मीदें जगाई हैं। ऐसी बात नहीं है, जिसको जैसे उम्मीदें जब सबकी बंद होगी तो वो डेरे आते हैं तो उनको एक अलग ही चमक नजर आती है। जैसे देश के लिए क्या योगदान रहा है डेरा सच्चा सौदा का संत? बहुत अच्छा योगदान रहा है, दिखने वाले को नहीं दिखे तो बात अलग है, लेकिन देखो आप 3 महीने बिताई कहते हैं भक्ति करके, देखो तो आप देखो आपको सारे जो नहीं काम बनते वो भी बनते हैं काम। आप भी जाती हो आश्रम में? हाँ जी। कितने समय से जा रहे हो आप? बहुत सालों से, 25 साल हो गए मेरी मैरिज को। मैंने तो जैसे मायके में तो हमारे मानते नहीं थे, जब से यहाँ आई हूँ ये मानते थे। अब तो ही मेरे को पहले डेरे के मत्था टिकाया, तब से मैंने इनको गुरु मान लिया अपना मन ही मन। नाम तो जैसे साल के बाद दिलवाया सास ससुर ने, लेकिन मैंने देखते ही एक ऐसी चमक लगी भी असल में खुद खुदा है ये, मेरे को मन ही मन मैंने उनको गुरु मान लिया। और जो भी काम थे मेरे बिना कहे गुरु जी ने पूरे किए। सर, डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा हैं, उनका नेचर स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसे काम किए उन्होंने समाज के? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, दिखते हैं सबको, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। उनका करैक्टर कैसा है? करैक्टर बहुत अच्छा है, सबको, माँ बेटी बहन सबको, अपने बुजुर्गों को माता बहन और बेटी के समान, भाइयों को अपने पिता भाई और बेटे के समान मानते हैं, सबको एक जीने की अच्छी योगदान देते हैं, बोलते हैं भी अच्छे अपने उससे जियो, कोई सिर झुका के नहीं जीना अपने, कोई भी अलग जैसे जेंट्स कोई अलग हरकत करता हो, गंदी हरकत कर उसको पलट के जवाब दो। जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, वो तो हम मायने ही नहीं रखते इस चीज़ को। बोलने वाले कितना ही बोली जाए हम नहीं मानते ये चीज़, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। दिखाने को तो आजकल कुछ भी दिखा दो, आजकल तो कुछ भी दिखा दो, किसी को भी किसी के साथ लिंक कर दो, जोड़ दो, आजकल तो ऐसी चली हुई है आजकल ये। लेकिन मीडिया में भी काफ़ी दिखाया जा रहा था। मीडिया वालों का क्या है, मीडिया वाले तो बहुत बोलते हैं, मीडिया वाले तो किसी को नहीं छोड़ते। आप एक थोड़े से ऊपर उठ जाओ तो उसके पास मीडिया आएगा, 100 सवाल पूछेगा, कोई गलत भी इल्ज़ाम लगाएगा, कोई सही भी लगाएगा। जितनी देर हम घर में हैं सेफ है, जब थोड़े से सबके सामने आ जाते हैं, थोड़ा ऊँचा उठ जाते हैं, तो मीडिया तो मिनट लगाता है नाम बदनाम करने में। अच्छे काम कम वो करता है, अच्छे काम भी किए हैं, तब मीडिया वाला कहाँ था, वो भी तो दिखाएं, बुराई पता नहीं कहाँ से दिखा दी, अच्छे काम भी तो दिखाएं मीडिया वाले। 4 साल हो गए आप संत जी समाज में नहीं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? क्या चीज़ है? समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में? समाज के ऊपर आप देख ही रहे हो कितना ग्रह चक्कर आए हुए, ऐसे तो नहीं आया हुआ, लॉकडाउन लगा। गुरु को अगर हम अंदर करवाएंगे तो हम कहाँ से आज़ाद हो जाएंगे? हम बैठे बिठाए जेल में होंगे, सब घर में कैद होंगे, किस वजह से? अगर हमारा गुरु है तो उसका भी तो कोई गुरु है, ऊपर बैठे वाले का भी तो गुरु है, उसका भी तो है। जरूरत है संत जी की समाज को, सबको जरूरत है। क्या अपील, क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी को छोड़ो जल्दी से जल्दी, कोई है वो सामने दिखाओ, जिसने इल्जाम लगाया उसको सामने आमने सामने बैठ के बात करो। फिर चिट्ठियों में क्या है, इनमें तो कुछ नहीं है। इल्जाम लगाने पे मैं भी किसी पे भी इल्जाम लगा सकती हूँ,
जुबान की कोई कीमत थोड़ी होती है, जुबान तो किधर भी चल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार जनता का यही मानना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। इनका यही कहना है कि संत जी को झूठे आरोपों में बदनाम किया गया है, फंसाया गया है। आप लोग भी सोचिए और इनफैक्ट्स का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।